तीन बात बोलना चाहूं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र की व्यवस्था में जो भी बात हम आज आपके बीच में रखा थी वो मैं तीन बात के आज आप संपर्क संकल्प ले लूं वो चिल्लीदार माता के आशीर्वाद का है। और ये दूरदर्शिता जी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब संविधान बनाई वो जानत भी थे ये समाज बहुत नीचे दबे कुचले हुए समाज है, एक संविधान है कि पंखा बंद हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन प्रकृति के हवा बंद हो गए तो सीधा पीस का कारण है सबको समझ लेगा, आंधी है तूफान है बिजली है पानी है इलाका रोक सकता था, बिजली ला तो रोक लगे बिजली पंखा वाले पंखा रोक लगे, इधर बटन हवे चपक के एक रिमोट में बंद कर लगे, लेकिन प्रकृति के कोई बटन नहीं ना ते हवा ला रोक सकता ना ते आंधी ला रोक सकता ना तूफान ला रोक सकता, ऐसे हमारा ये समाज है ये हमेशा प्रकृति लाभ पूछते आप हमारे डॉक्टर प्रीतम भाई बहुत सारा बात बताई आप मन पूरा श्रवण करे हो बहुत ध्यान से सुनत रहे हो आप मैं देखत रहे हो मैं कितना बैठे बैठे कला से लेकर गीत से लेकर चित्रकारी से लेकर हर चीज के वर्णन करें और यही कारण है कि गुणवाना संस्कृति विश्व के जनक और जननी है। अब सब बात अलग तो पूर्व वर्तमान बता चुके हैं मैं वो बात और ही बोलना चाहता हूं, लेकिन आज दो दो राज परिवार के व्यक्ति मन आप मन के समाज में बैठे हैं राजा मन के भी कोई अपन इतिहास हवे हवे के नहीं है हवे ना, और वही राजा है वही गोल राजा है आज गंडई के इतिहास के बाद में थोड़ा सा संक्षिप्त बताना चाहूंगा, गढ़मंडला से ये राज्य जो रीस है गढ़मंडला ये गुंडवाना लैंड के एक ऐसे स्वतंत्र राज्य रीस है और वो राज्य के साम्राज्य के हिस्सा की नई जिम्मेदारी थी मानवा चोर करें और नया पोल निकाले में आते और गढ़मंडला के जहाँ बात हो थे पौधवा जो होती है महोत्सव शहर के लिए वहां तो पंडारी राजा मन पैदा हुए राजा शंकर था राजा रघुनाथ था राजा दलपत था तो रानी दुर्गावती ये गोंडवाना के ऐसे गोंड राजा हैं जिन अपन प्रजा के लिए अपन रियाय के जनता के लिए अपन समाज के लिए बलिदान हो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि वो दौर में डॉक्टर प्रीतम सिंह जी से लेखक या रचनाकार नहीं रही, लेकिन आज ये सौभाग्य के बात है कि आज ये समाज के अंदर में इसे प्रतिभा मन प्रतिभा की उत्पत्ति हो गए वो एक दौर रही से जिस समय देश में विदेशी हुकूमत चलत रही थी चाहे वो मुगल साम्राज्य के बात हो चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य के बात हो चाहे वो मराठा राज्य के बात हो
गढ़ मंडला के हिस्सा है, माइकल पर्वत के हिस्सा है, गंडई रियासत गंडई जमींदारी है, ये माइकल क्षेत्र के रायगढ़ क्षेत्र कहलाती है, रायगढ़ जिला होती है। और गढ़ मंडला के इतिहास, गढ़ मंडला के साम्राज्य जबलपुर से लेकर डिंडोरी से लेकर कबीरधाम से लेकर खैरनगर सिद्धनाथ से लेकर बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा से लेकर पूरा मध्य प्रदेश के आधा हिस्सा गढ़मंडला राज्य के साम्राज्य के हिस्सा होत्री से, और वहां के राजा और वहां के जमींदार जिन होत्री ने वो गढ़मंडला के प्रभाव क्षेत्र में रही। ऐसे कौन सा कारण है जेकर से ये समाज है आज भी अपन मूलभूत अधिकार से वंचित है? बहुत सुंदर सुंदर बात ये मंच के माध्यम से आप मन तक के पहुंचे हैं। आप ला पूरा रात जागना है, कैसे स्लो होते रे, और मात्र शक्ति मन मोर ख्याल से बहुत माता मन है तो उपवास हो ही हवो को नहीं है करते जन उपवास हो कि हाथ उठाओ बहुत जन हम तो माता मन उपवास तो हो लेकिन का चीज के लिए उपवास हो आप यहाँ ये स्थान में बैठे हो जिल्लो माता के लिए आप पूरा आराधना करूं पूरा रात जागूं पूरा निर्जला व्रत कर करके बिना जल और पानी के बगैर आप मन हम पूरा रात जागरण करो लेकिन कहा बात के लिए उपवास रखे हो ये हमारे संस्कृति के हिस्सा है ये हमारे धार्मिक व्यवस्था है हमारे धर्म संस्कृति के हिस्सा है और यही हमला अन्य धर्म से अन्य समाज से पृथक करते हैं। हम एक व्यवस्था में शासित होते हैं। हमार पुरखा मन है हमार पुरखा शक्ति मन जो हमला रास्ता बताए वो रास्ता के हमन है निरंतर अनुकरण कर चले आते हैं। आज हम अपन देव के घर में जाती देवता घर में जाती देवता घर में कहा है हम अपन पुरखा मन ही वो देवता घर में स्थान देते वही हम पूछती ओखरे पूजा अर्चना करती ओखरे आशीर्वाद लेके हर पुरखा शक्ति के ही आशीर्वाद से हर कार्य के हमर शुभारंभ होते जब घर में बच्चा जन्म ले थे तब भी हम पुरखा शक्ति नहीं पहली प्रार्थना करते जब हमारे बेटी बेटा जवान हो जाते जब हम शादी ब्याह के ऊपर संस्कार करती तब भी प्रथम निमंत्रण हम अपन पुरखा शक्ति ला ही आशीर्वाद ला ही पहले न्योता के रूप में वाला न्योता दे और जब वो अंतिम समय हो जाते ऊपर अंतिम काल हो जाते जब वो इस दुनिया ना छोड़ के चल रहे थे तो ओला हमन हम फिर दसवां दिन ला के फिर ओला विराजित करके वो स्थान वाला देती और किसी की पुरखा से यहाँ विराजित हो और तोर निगाह में तोर पूरा परिवार रहे ओकर बाद भी ओकर आशीर्वाद लेना हम नहीं भूल और जिला हम गुरु जी है बहादुर भाई है दिल्ली डाल महोत्सव के संबंध में बताई और बहुत सार गर्भित बात ने बताई और
विकास के लिए जो आयोजन समिति बने हुए हैं और आयोजन समिति के साथ साथ ये जो हमार संस्कृति है, हमार धर्म के जो व्यवस्था है, वो कला के माध्यम से और कोलवा आज प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ पूरा विश्व के विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भी जो स्थान प्राप्त करे हैं। पिछले सरकार में कांग्रेस ने जब सरकार दी थी उनमें पूरा विश्व से आदिवासी समाज के जो स्थानीय रूप से हर देश से जब आई है कलाकार मन और वो कलाकार के प्रतियोगिता में आपके कोलवा ग्राम से कोलवा के कर्मादार प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। इसे ऐसे हम नंदू भाई खुचरो सुंदरन भाई खुचरो बलदौर सिंह ने काम और जतेक हमारे कर्मादल के कर्मठ गुण कार्यकर्ता है ये मनाते पर प्रतियोगिता में जीत के प्रथम स्थान प्राप्त करे निश्चित रूप से अपन बधाई के पात्र है और ये हमारे सौभाग्य है। ये छोटे से गांव कोलवा में ऐसे कर्मनिवृत्त के हमारे संस्कृति ला छत्तीसगढ़ के अंचल में पूरा प्रदेश में और अन्य देश के हिस्सा में हमारे कला के माध्यम से हमारे संस्कृति ला पहुंचाए के काम में करते मन